क्वेश्चन एट देखिए, सेवन की तरह ही है क्वेश्चन एट, ठीक है। क्या करोगे? मैं कह रहा हूं इसको मान लो टी, ठीक है, इसको मान लो टी। अच्छा कंफ्यूज ये नहीं होना है कि यार यहां एक्स स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, बेटे सब सॉल्व हो जाएगा। पहले मानो तो सोल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टू एक्स स्क्वायर डीएक्स, पुट करो वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो वन का तो जीरो मिल जाएगा, लिखने रहे, ठीक है, वन का जीरो चलो सो कर दिया, प्लस टू पहले से है पावर आगे आएगा टू, पावर में बस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू टी। मल्टीप्लाई करोगे तो फोर एक्स मिल जाएगा बेटे इक्वल टू, ठीक है, और टी का डिफरेंशिएशन मैंने टी लिख दिया है, ठीक है, टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो डी टी बाई डी एक्स मिलेगा, डी टी बाई डी एक्स। यहां से डी एक्स का वैल्यू निकालते तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई फोर एक्स, ठीक है, फोर एक्स। वापस चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ टी डी टी बाई फोर एक्स, एक्स से एक्स इलिमिनेट हो जाएगा, फोर कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो वन बाई फोर, और इंटीग्रेशन ऑफ टी का यानी रूट का वैल्यू हम रख रहे हैं बेटे, तो टी का पावर वन बाई टू डी टी, ठीक है, वन बाई फोर और टी टेंडिंग टू पावर वन बाई टू है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा कितना मिल जाएगा, चलो सो करके दिखाता हूं, वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू प्लस वन प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट वन बाई फोर, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बेटे तो थ्री बाई टू मिलेगा, टी का पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू, ठीक है, ये टू मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, ठीक है, तो बेटे कुछ ये ऐसा बनेगा, ये बनेगा टू बाई फोर इंटू थ्री, और टी का वैल्यू जब रखोगे तो आपने टी मान के रखा है वन प्लस टू एक्स स्क्वायर का पावर कितना होगा थ्री बाई टू प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, टू से कैंसिल करोगे कितना मिलेगा, टू टू जा फोर, यानी कि वन बाई सिक्स वन प्लस टू एक्स स्क्वायर का होल पावर थ्री बाई टू प्लस सिक्स। इस तरीके से आपका क्वेश्चन एट, अब ये क्वेश्चन नाइन करते हैं। क्वेश्चन नाइन है इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है, ये सोचो क्या मानोगे, सोचो बेटे क्या मानोगे। अगर देखो यार हम ऐसा करें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी मान ले, ठीक है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक, मान लेते हैं पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, लिख भी दिया, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा वन, और वन का जीरो, ठीक है, नहीं लिख रहे, टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो डी टी बाई डी एक्स मिलेगा, डी एक्स निकालने जाओगे तो डी एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वन, ठीक, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यहां से हम टू को कॉमन ले देंगे, ठीक है, ये इलिमिनेट हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो टू कॉमन ले रहा हूं,
टू ले लेंगे तो ये मिलेगा टू एक्स प्लस वन। ठीक है, हमने ये पूरे फंक्शन को टी मान के रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ टी, और डी टी निकाल के लाया है, यानी कि डी एक्स, डी टी नहीं, डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू एक्स प्लस वन। क्या ये कैंसल होगा? टू कॉन्स्टेंट है बाहर, लो इंटीग्रेशन ऑफ टी, ठीक है, और रूट का वैल्यू रख देंगे वन बाई टू डी टी। अब करो इंटीग्रेशन, ठीक है, जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टू टी का पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू, ठीक है, ये 312 ना लगे, ठीक है, प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये टू प्रोडक्ट होगा टू के साथ में, तो टू टू जा फोर बाई थ्री, और टी हमने मान के रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल पावर थ्री बाई टू प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है ना अच्छा है, आसान है, सिर्फ आपको क्या है कि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आना चाहिए, ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं आराम आराम से करा देता हूं। क्वेश्चन टेन देखिए जरा सा, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डीएक्स। अब ये जरा सोचो क्या करोगे इसमें, ठीक है, क्या करोगे सोचो, हम तो आपको कराएंगे ही कराएंगे, और आप लोग का, आप लोग से एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करिए, अपने दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए, ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप वीडियो को जो है वो शेयर कर दें, ठीक है, देखिए आप लोग के लिए ही कर रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, ठीक, ये भी तो बात है, एक फैमिली की तरह हम लोग हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब सोचो इस क्वेश्चन में क्या करें, अगर हम ऐसा करें कि कुछ कॉमन ले लें, अब सवाल आता है क्या कॉमन लेंगे, जरा देखो सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय, अगर यार हम रूट एक्स को कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमें, जरा सा सोचो तो, रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स, रूट एक्स एक्स मिल जाएगा, ठीक है, और यहां माइनस वन कर दें, देखो मैं प्रोडक्ट करके देखता हूं, रूट एक्स एक्स मिलेगा, रूट एक्स को माइनस वन के साथ करेंगे तो ये मिलेगा रूट एक्स, ठीक, तो कुछ अपना काम बन जाएगा रूट एक्स, ठीक है, और ये रूट एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक, इस तरीके से करने से क्या फायदा मिला हमें, ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या फायदा मिला, तो फायदा ये मिला कि रूट एक्स माइनस वन को हम कुछ मान लेते हैं, जो मानते हुए अभी तक आ रहे हैं, टी माने हैं तो टी ही ले लेंगे, ठीक है, पुट रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी, ठीक, मान लिया। अब डिफरेंशिएशन करो तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, वन बाई टू रूट एक्स वन का जीरो, और टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, ये सब डिफरेंशिएशन में हमने बहुत सिखाया है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो डिफरेंशिएशन का आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। यहां से हम dx निकालते हैं तो dx निकालेंगे तो हमें ये मिल जाएगा dx इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स डी टी, ठीक है, वापस चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई रूट एक्स को ऐसे ही रहने दो यार, ठीक है, और इसको हमने पूरे इस फंक्शन को t माना है, ठीक है, तो मैं t लिख देता हूं, और dt अपने पास में यानी कि dx आया हुआ है, क्या आया हुआ है, तो टू रूट एक्स डी टी, देखो यहां रूट एक्स इलिमिनेट होगा, टू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लें, टू को बाहर ले लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी डी टी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए,
वन बाय टी का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, टू लॉग मॉड ऑफ टी प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा टू लॉग मॉड ऑफ क्या मान के रखे हो भाई, तो रूट एक्स माइनस वन प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। इस तरीके से आप अपना ये आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 11 लगाते हैं, ठीक, जगह का भी अपने पास में। क्वेश्चन 11 देखिए जरा, क्वेश्चन 11 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 और कुछ कंडीशन दिया है एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या किया जाए, ऐसा करो कि आप जो है एक्स प्लस 1 को टी मान लो। ठीक है, जगह कम है तो मैं सॉल्यूशन यहीं स्टार्ट कर देता हूं। सॉल्यूशन, पुट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू टी। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो एक्स का 1 मिलेगा और 4 का 0 मिलेगा, डीटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो डीटी बाई डीएक्स मिलेगा, आने की डीएक्स इज इक्वल टू डीटी आ गया। ठीक, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है आगे में। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू निकाल लिया जाए तो, अगर x की वैल्यू निकाले जाए तो देखो x प्लस 4 इज इक्वल टू t है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t माइनस 4 हमें यहां करना चाहिए। ठीक है, हमें यहां करना चाहिए x प्लस 4 इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू t माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टी, यही माना है। देखो जरा सा, एक्स प्लस 4 को हमने टी माना है और ये है अपने पास में डी टी। इस ऐसा करते हैं कि इसको न्यूमरेटर में लेके चलते हैं, देखो जरा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस 4 जब न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी का पावर माइनस 1 डी टी। ठीक, रूट का जो है वो वैल्यू रखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस 4 टी का पावर माइनस 1/2 और ये मिलेगा डी टी। अब करो मल्टीप्लाई, क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो टी का देखो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/2 डी टी माइनस 4 टी का पावर माइनस 1/2, 4 को बाहर ले लो डी टी, अलग अलग कर दिया। आइए अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो देखो जरा सा हम सॉल्व करते हैं इसको, टी का पावर कितना है 1 माइनस 1/2, एलसीएम लो जरा सा, एलसीएम लेंगे तो 2 मिलेगा आपको। ठीक है, 1 के टेबल में 2 कितनी बार, 2 बार में, और 2 का टेबल 2 कितनी बार में, 1 बार में, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 मिलेगा। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ t tending to power 1/2 dt minus integration of, यानी कि 4 हमने बाहर लिया है, 4 बाहर लिया है, ठीक, t का पावर माइनस 1/2 और ये dt। ठीक, चलिए इंटीग्रेशन करेंगे तो t का पावर 3/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, हमने बेटे डायरेक्ट ऐड कर दिया, जगह कम है अपने पास, माइनस 4 टी का पावर, अभी हमने सॉल्व किया 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ये 2 प्रोडक्ट होगा टी के साथ में, ये 2 4 के साथ में, यानी कि मिल जाएगा यहां से 2/3 और टी हमने क्या मान के रखा है, देखो जरा सा, एक्स प्लस 4 का पावर 3/2 माइनस
फोर टू जा एट, और टी माना है हमने एक्स प्लस फोर का पावर 1/2 प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये अपना आंसर। पहले यहां पर बेटे कॉपी कर लो, फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं। और